और आपको बता दें कि शिमला का मस्जिद विवाद, प्रदर्शनकारियों ने इस वक्त वहां बैरिकेडिंग तोड़ी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको एक बार फिर से बता दें कि शिमला का जो मस्जिद विवाद चल रहा था उसमें जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और अपना प्रदर्शन उन्होंने जारी रखा हुआ है। शिमला से ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और प्रदर्शनकारी लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस की ओर से लाठी चार्ज भी की जा रही है। आपको बता दें एक बार कि संजोली मस्जिद तोड़ने की मांग की जा रही थी और साथ में इस विवाद पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा था। शिमला में ये मस्जिद है और इस पर काफ़ी विवाद भी चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ऐसा बताया जा रहा है कि बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। आपको बता दें एक बार फिर कि संजोली में ये मस्जिद विवाद पर जो विरोध है इस पर प्रदर्शन किया जा रहा था और पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा क्योंकि वो बैरिकेड तोड़ कर आगे बढ़ रहे थे। अवैध संजोली मस्जिद मामला जो था, ये प्रदर्शनकारी इसमें आगे बढ़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। शिमला का ये विवाद है और आपको बता दें कि ग्राउंड जीरो से धर्म प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जल्द ही संजोली में जो ये मस्जिद है, अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इसमें किया जा रहा था। शिमला में ये मस्जिद है और इस वक्त आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं कि पुलिस की ओर से लाठी चार्ज भी किया जा रहा है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने आप देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग भी तोड़ दी थी और पुलिस की ओर से पानी की बौछारें भी उन पर लगाई गई ताकि प्रदर्शन किसी तरह रुक जाए और प्रदर्शनकारी आगे ज़्यादा ना बढ़ पाए। और आपको बता दें एक बार फिर से कि अवैध संजोली मस्जिद तोड़ने की मांग की गई थी क्योंकि वहां बाहर तक लोग जो आना जाना उनका रहता था और ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी वहां देखे जाते थे, जिसकी वजह से जो आसपास के लोग वहां थे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसीलिए इस पर काफ़ी प्रदर्शन भी किया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन था। संजोली में ये मस्जिद विवाद को लेकर काफ़ी गहमा गहमी भी देखी जा रही थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम आगे नहीं उठाया जा रहा था और इसे लेकर ये विवाद मुस्तकिल आगे बढ़ रहा था। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो प्रदर्शनकारी थे उन पर वाटर कैनन से पानी भी फेंका जा रहा है, बावजूद इसके प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। और आप देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस वक्त प्रदर्शनकारी नज़र आ रहे हैं। पुलिस की भी कोशिश है कि प्रदर्शनकारी ज़्यादा आगे ना बढ़ें और मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था कि जो अवैध निर्माण है उसे रोका जाए, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस की कोशिश ये है कि प्रदर्शनकारियों को रोका जाए। बावजूद इसके जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसे लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप सीधी तस्वीरें इस वक्त ये देख भी रहे हैं कि पुलिस की कोशिश यही है कि प्रदर्शनकारियों को किसी तरह रोका जाए। और ये आपको बता दें कि मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बहुत चल रहा था काफ़ी टाइम से। संजोली की ये मस्जिद है और शिमला का जो ये मस्जिद विवाद है ये लगातार इस वक्त आगे बढ़ रहा है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसी तरह जो मस्जिद का एक विरोध था, जो ज़्यादा मस्जिद को बढ़ा दिया गया था, उसको लेकर प्रदर्शनकारी चाह रहे थे कि इस पर कोई ठोस सबूत हो और कोई ना कोई ख़ास इस पर कदम उठाया जाए, लेकिन अवैध निर्माण आगे लगातार बढ़ रहा था और इसीलिए ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था। और शिमला का ये मस्जिद विवाद आप देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। धर्म प्रकाश जी, जैसे हम देख रहे हैं कि जो ये संजोली मस्जिद है इसके उसको लेकर जो प्रदर्शनकारी हैं लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस की कोशिश है कि उन्हें रोका जाए, लेकिन उन्होंने जैसे कि बताया कि बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट की जो अभी थोड़ी देर पहले पुलिस और पथाव भी हुआ है, एक पुलिस का कर्मी घायल हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर माहौल जो है काफी तनावपूर्ण हो गया है। यहाँ पर बैरिकेड के जरिए कर्मचारियों को यहाँ पर
धर्म प्रकाश जी, आप तक हमारी आवाज। जी तो लगातार प्रदर्शनकारी जो हैं आगे बढ़ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह जो अवैध निर्माण है उसे रोका जाए, लेकिन जो पुलिस है उसकी भी कोशिश यही है कि प्रदर्शनकारियों को रोका जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना आए, कोई ऐसी बात पेश ना आ जाए जिसमें कुछ लोग हादसे का शिकार हो जाएं। लिहाजा पुलिस की कोशिश यही है कि प्रदर्शनकारियों को रोक लिया जाए। बावजूद इसके बैरिकेटिंग को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है, प्रोटेस्ट उनका लगातार इस वक्त आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि जारी है। शिमला का ये जो विवाद है, मस्जिद विवाद है, इसे लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसी को लेकर जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्म प्रकाश जी। धर्म प्रकाश जी, जैसे कि हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। धर्म प्रकाश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो आप इस वक्त उन तक, अभी हमारे जो संवाददाता हैं उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। जाहिर है हम देख भी पा रहे हैं कि इस वक्त वहाँ काफ़ी शोर भी होगा और जाहिर सी बात है कि ऐसे में एक बार फिर धर्म प्रकाश जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो धर्म प्रकाश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बैरिकेड को भी उन्होंने तोड़ दिया है और पुलिस की कोशिश है कि इनको रोका जाए। बिल्कुल, पुलिस की कोशिश है रोकने की और काफी हद तक पुलिस इसमें कामयाब भी हुई है, क्योंकि अब तक थोड़ी देर पहले जो प्रोटेस्टर्स है वो काफी ज्यादा उग्र हो गए थे, मस्जिद जो कथित मस्जिद उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते नजर आए थे, लेकिन भारी संख्या में पछताव हुआ है इसकी वजह से कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, जिन्हें अभी अभी जो तैयारी है पुलिस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हिमाचल पुलिस की तरफ से, वो काफी ज्यादा कड़ी है और जो स्थिति है उसको नियंत्रण में रखने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पथराव हुआ है सामने से, और राज्य का उसके जवाब में पुलिस को करना पड़ा है। आप कल से लेकर जो तैयारियां हैं इसे लेकर वो लगातार की जा रही थी, और अभी यहाँ पर स्थिति की अगर बात करूँ तो अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो काफी ज्यादा उग्र है, पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है उन्हें रोकने के लिए, और जो पुलिस के बड़े तमाम अधिकारी हैं हिमाचल पुलिस के वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, और साथ ही साथ जो जवान है उनके पास बिल्कुल प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है और काफी हद तक उन्हें रोकने में कामयाब भी रही है। धर्म प्रकाश जी, बिल्कुल शिमला का ये मस्जिद विवाद है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि पुलिस की पूरी कोशिश है कि प्रदर्शनकारियों को रोका जाए और अवैध निर्माण को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। जो शिमला की ये मस्जिद थी वहाँ अवैध निर्माण हो रहा था और अवैध निर्माण की वजह से जो आसपास लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था, और इसी वजह से जो संगठन हैं उनकी कोशिश यही थी कि इस अवैध निर्माण को रोका जाए, और इसीलिए इस प्रोटेस्ट को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश भी हो रही थी। और अवैध निर्माण के खिलाफ ये जो आप देख रहे थे कि जो प्रदर्शन किया जा रहा था इसे लेकर पुलिस भी काफ़ी अलर्ट मोड पर नज़र आ रही है, उनकी कोशिश यही है कि कोई भी हादसा पेश ना आए और जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें जो शांतिपूर्वक रोक लिया जाए, और शांति उन्होंने बनाए रखने की अपील भी की है और प्रदर्शनकारियों से कहा भी है कि वो ज़्यादा आगे ना बढ़ें और शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट वो ज़रूर करें, लेकिन कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिससे किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इस वक्त आप देख रहे हैं कि वाटर कैनन से भी उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी पुलिस की ओर से, और पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया था जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर। शिमला की ये मस्जिद है। एक बार फिर धर्म प्रकाश जी हमारे साथ हैं। धर्म प्रकाश जी, पुलिस की पूरी कोशिश नज़र आ रही है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें रोका जाए ताकि कोई भी हादसा ऐसा पेश ना आए। धर्म प्रकाश जी, आप तक अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही है, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जी पुलिस की कोशिश यही है कि प्रदर्शन कंट्रोल करने की कोशिश पूरी करती पुलिस यहां पर करती नजर आ रही है, और
और सुबह से यहाँ पर जो पुलिस का पहरा है वो कड़ा है। अब से कुछ ही देर पहले पुलिस कर्मियों को यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है, लाठी चार्ज भी हुआ है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगातार पथराव किया जा रहा है। कुछ पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुँचाया गया है। और साथ ही साथ जो प्रदर्शनकारी है वो अभी भी उग्र बने हुए हैं, उनकी तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और जो मस्जिद है जिसको लेकर ये पूरा बवाल है उस तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उस मस्जिद तक जाने वाले सारे रास्ते चारों तरफ से सील किए गए हैं। इसके अलावा जो संजौली का पूरा उपनगर है वो भी चारों तरफ से सील है। किसी भी तरह की आवाजाही, चाहे वो पैदल आवाजाही हो चाहे गाड़ियों के जरिए हो, वो पूरी तरह बंद रखी गई है। और जो पूरा संजौली का उपनगर है, ढली से संजौली तक का पूरा एरिया आज बिल्कुल सील किया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो प्रोटेस्टर्स हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने से भी पथराव किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से हिंसक माहौल यहां पर बनता नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस की कोशिश है लगातार कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए, और इसमें काफी हद तक पुलिस फिलहाल कामयाब होती नजर भी आ रही है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे मस्जिद के बारे में। जिस तरह से बताया जा रहा है कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया जा रहा था, मस्जिद को बड़ा किया जा रहा था, इस वजह से जो आसपास के लोग थे उन्हें काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था। इस बारे में आपसे और डिटेल में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए ये नौबत आई कि लोगों को प्रोटेस्ट कॉल बुलानी पड़ी। आज तीसरी दफ़ा ये प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है। 1 सितंबर को प्रोटेस्ट हुआ था, फिर 7 सितंबर को प्रोटेस्ट हुआ, और आज तीसरी बार जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा अगर थोड़ा बैकग्राउंडर हम दर्शकों को दें तो संजौली का ये उपनगर है, शिमला का उपनगर संजौली है, जहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई है 4 मंजिला 5 मंजिला, उसके अवैध होने के आरोप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मामला कोर्ट में भी है, 14 साल से सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कोई अंजाम इसका निकल नहीं पाया है। 5 अक्टूबर को फिर से इस पर हेयरिंग होनी है, और अभी के लिए कोर्ट की तरफ से जो वक्फ बोर्ड है और जो मस्जिद कमेटी है उन्हें इसमें जो नोटिसेज हैं वो जारी किए गए हैं। अब दो तरह के यहां पर कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं, एक तरफ अवैध निर्माण का मामला है, दूसरी तरफ जमीन पर कब्जे का भी मामला है, क्योंकि राज्य सरकार यह दावा कर रही है कि जहां पर मस्जिद बनी है वो जमीन राज्य सरकार की है, जबकि वक्फ बोर्ड का दावा है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। हालांकि अवैध निर्माण को लेकर वक्फ बोर्ड ने पल्ला झाड़ लिया था पिछली सुनवाई में, और उस अवैध निर्माण के लिए पूरी तरह मस्जिद कमेटी को जिम्मेदार ठहराया था। अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो उनकी भूमिका इसमें इतनी है कि लोगों की तरफ से ये शिकायतें की जाती हैं कि यहाँ पर इस मस्जिद की वजह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग जब नमाज पढ़ने इकट्ठा होते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर हो जाती है, आवाजाही में दिक्कत होती है, और उसके बाद लोगों की तरफ से इस मस्जिद के जो 2 मंजिला ये पहले मस्जिद थी, अब ये 4 मंजिला 5 मंजिला होती नजर आ रही है, और उसे जो एक्स्ट्रा जो ऊपर स्टोरीज बन रही हैं उन्हें अवैध बताया गया है। इसी को लेकर ये पूरा बवाल है, और अब जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो लोग हैं वो इस मस्जिद को यहां से हटाए जाने की लगातार मांग करते नजर आ रहे हैं। उसी मांग का ये नतीजा है कि अब यहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मामला कोर्ट में है, पुलिस की कोशिश है कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए, लेकिन प्रोटेस्टर्स जो है वो मानने को तैयार नहीं है, और लगातार इस मामले में जो बिल्कुल बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन डीडी न्यूज के साथ आप बने रहे फिलहाल, बहुत धन्यवाद। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें यही अनुमति दी, नमस्कार। Yeah.